हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं चलाने वाला हूँ किया सेल्टोस HTK प्लस IMT और आपको देने वाला हूँ इसका रिव्यू कि ये चलने में कैसी है। IMT का मतलब फुल फॉर्म क्या है मैं आपको गाड़ी के अंदर चलाते समय बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें क्लच नहीं होता है, ठीक है। और ये रही इस कार की चाबी, ये मेरे फ्रेंड की कार है और 2 से 3 महीना, अभी इसको 3 महीना पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि IMT इतना मस्त फीचर है कि अगर आपके घर में कोई कार चलाने में डरता है या फिर आप डरते हो या फिर आपको चाहिए बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव, तो गाइज आप इस कार को कंसीडर कर सकते हो और इस कार के लिए जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया चलने में है, मैं आपको पूरा इसका चला के वॉक अराउंड दूंगा, पूरा चला के दिखाऊंगा। सो गाइज अगर आपको किया सेल्टोस IMT परचेज करना है तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइज चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसकी ड्राइव और आपको दिखाते हैं कि कैसी है ये चलने में और कितना कंफर्टेबल है अंदर से किया सेल्टोस HTK प्लस IMT। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप किया की कार लेते हो IMT में या फिर आप किसी भी कंपनी की कार लेते हो जो कि IMT बनाती होगी, तो वहां पे आपको यहाँ पे क्लच ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी क्लच ऑफर नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास रहता है ब्रेक रहता है, एक्सीलेटर रहता है और मैनुअल गियर रहता है, जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अगर क्लच नहीं है तो फिर हम गियर को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो गाइज वही चीज मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ कि कितना मजा है IMT का, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, चलिए अब हम कार को अपने स्टार्ट करते हैं और आपको मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर से कार चलानी है, वो भी गियर के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कार चला के आपको दिखाता हूँ। सो गाइज चलिए अब मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ कार को। सो गाइज यहाँ पे जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, क्लच तो होता नहीं है, तो गाइज समझ जाइए कि आपकी गाड़ी आपका क्लच पकड़ के बैठी हुई है, जितना क्लच की जरूरत है आपको वो आपकी गाड़ी दे रही है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे पहले गाड़ी स्टार्ट कैसे करना है, ब्रेक पे पैर रखना है अपना, ठीक है। उसके बाद पुश स्टार्ट बटन है इसमें, ठीक है, उसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम ब्रेक दबा के पुश बटन दबाएंगे, हमारी गाड़ी देखिए स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सीट बेल्ट हम पहन लेते हैं, ठीक है, सीट बेल्ट जरूर पहने गाइस, ठीक है। और देख लीजिए कितना कोहासा है, ठीक है, मतलब कोहरा ही कोहरा है। हम आपके लिए 6-7 बजे सुबह वीडियो शूट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ना है, पहला गियर लगाना है धीरे धीरे। जैसे आप क्लच छोड़ते हो ना, इसमें क्लच नहीं छोड़ना है, इसमें ब्रेक को आपको छोड़ना है धीरे धीरे, ठीक है, एकदम देखिए एकदम धीरे धीरे। जैसे जैसे आप धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे आपकी कार आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कार आगे बढ़ रही है, ठीक है, हॉर्न दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत स्लो स्लो चला के दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। सो गाइज अब हम आपको दिखाने वाले हैं चलती गाड़ी में ब्रेक मार के कि भाई क्या होता है अचानक से, बिना क्लच तो इसमें है नहीं, बिना क्लच के अगर हम ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी में क्या होता है, ठीक है। तो पहले गाइज हम गियर लगा लेते हैं, ठीक है, देखिए तीसरा गियर है, ठीक है, ये हमारा चौथा गियर लग गया, ठीक है। अब हम ब्रेक मार के देखेंगे, ठीक है। तो गाइज हम ये ब्रेक मार रहे हैं और यहाँ पे हमने ब्रेक मारा, तो गाइज देखिए गाड़ी रुक गई, गाड़ी थोड़ा भी बंद नहीं हुई, गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ, बस गाड़ी में पीप 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 करके साउंड आ रहा है कि अपना शिफ्ट करो गियर डाउन में, ठीक है, गाड़ी का गियर ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसको सेकंड गियर में डालेंगे और फिर से चलना शुरू, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए गाड़ी चलना शुरू, आप इसको 6वें 5वें 7वें किसी भी गियर में डाल दो और गाड़ी को ऐसे मान लो ऐसे तीसरे गियर में है, ठीक है। अब देखिए मान लो ऐसे चौथे गियर में करें कम स्पीड में, अब गाड़ी को तुम बंद कर दो, ठीक है, यहाँ पे रोक दो गाड़ी, एकदम बिल्कुल रोक दो, बिल्कुल खड़ी कर दो गाड़ी में, बंद उंद कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं आएगी, फिर गियर डाउन करो और चल दो। तो बहुत ही मजा है यार, मतलब इसका भी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास तो अल्ट्रोज है, ठीक है, आप लोग जानते ही हो, तो मुझे आदत है मैनुअल चलाने का, बट गाइस इसको मैं चला रहा हूँ ना तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है IMT को, बहुत ही ज्यादा मतलब रिलैक्स फील हो रहा है। अगर आपके घर में कोई आपकी मम्मी है, पापा है या कोई एजेड लोग हैं जिनको क्लच में प्रॉब्लम आता है, और क्लच ही समझना है मेन, अगर कार आपको चलाना है तो क्लच को ही समझना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे कॉलोनी में भी 2-4 लोग हैं जो कि कार खरीद ली है, कहीं जाना होता है तो ड्राइवर को बुलाते हैं, ठीक है, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि भैया क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं यार वो क्लच का मुझे बहुत दिक्कत आता है। तो उन जैसे लोगों के लिए IMT बेस्ट है, और जैसे हमारे भैया हैं उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि उनको ना ज्यादा चीज चाहिए नहीं, मतलब ज्यादा खिचिर पिचिर अपने गाड़ी में चाहिए नहीं, उनको कंफर्टेबल राइड चाहिए, ठीक है। तो कंफर्टेबल ड्राइव उनको चाहिए, तो इसीलिए वो कंफर्टेबल गाड़ी लिए हैं। अगर आपको भी कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए
तो आप ले सकते हो आईएमटी, ठीक है। बहुत ही मतलब मस्त गाड़ी है, और ये ऐसा भी नहीं है कि सक्सेस नहीं है, ठीक है। बहुत गाड़ियां बिक रही हैं, सक्सेस है, ठीक है, अच्छा खासा चलती है, कोई दिक्कत नहीं आता है, तो आप जरूर आईएमटी ले सकते हो। बहुत ही मस्त है यार, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देखो बस गियर चेंज कर रहा हूँ, गाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही है, गियर चेंज कर रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, देखो चौथे गियर पे हम आ गए, ठीक है। और गाड़ी इसमें आपको बताती भी है कि आपको किस गियर में चलना है। देखिए अभी पीपी पीपी आवाज करेगा अगर हम गियर ज्यादा बढ़ा देंगे तो, अगर आप मैनुअल में हो तो वहां पे गाड़ी आपको बताएगी नहीं। देखिए अभी हमको यहां से मोड़ना है, गियर हमारा ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवाज आने लगा, ठीक है, तो हम गियर डाउन करके मोड़ लेंगे। तो गाड़ी इससे क्या, जो नया नया सीखता है उसको बहुत ज्यादा फायदा है, उसको ये नहीं पता चलता है कि किस गियर पे हमको मतलब किस गियर पे गाड़ी चलाना है और किस गियर पे गाड़ी को मतलब डाउन करना है, ठीक है। जब तेज रहे तो कितने गियर पे चलाना है, धीरे कितने गियर पे चलाना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है, और बहुत सारे लोग तो बहुत टाइम लगा देते हैं सीखने में। तो अगर आपका बजट थोड़ा बहुत ज्यादा है, 50,000-60,000, ठीक है, तो आप आईएमटी ले सकते हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। और बहुत सारे फीचर्स भी इसमें आ जाते हैं आपको आईएमटी में, ठीक है गाइस, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो गाइज यही था आज के इस वीडियो में, आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, सुबह भोर में उठ के वीडियो बना रहा है आपके लिए। ऐसा ही मजेदार कंटेंट गाइज आपको मैं देता रहूंगा, बहुत सारी गाड़ियों का रिव्यू करूंगा, जो आप बोलोगे वो करूंगा आपके लिए, आप बस कमेंट करना, ठीक है। तो गाइज यही था आज के इस वीडियो में, आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज, वंदे मातरम।